जिला सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी जी को अतिक्रमण के खिलाफ दिया ज्ञापन। नगर पालिका अध्यक्ष पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप। इंडिया समाचार से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि जो अतिक्रमण काम चल रहा है उसमें एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ आज यहां ज्ञापन देने आए हैं। अगर मांग नहीं पूरी की गई तो हम हजारों की संख्या में अतिक्रमण के खिलाफ धरना देंगे और अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। डीएम रविश कुमार गुप्ता ने आश्वासन दिया कि एडीएम द्वारा जांच कराकर तब अतिक्रमण किया जाएगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। आइए चलते हैं पंडित दसवीं भट्ट की खास रिपोर्ट पर। आप हमारे को समझते हो? मैं जीता हूँ, विधायक हूँ मैडम। आप एटीएम मैडम को आप यहाँ पे विधायक आप यूँ तो आप बाबू को पहुँचा देती, किसी को पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा मैडम, थोड़ा आप महिला है ऐसा कोई पुरुष होता नहीं था, उसका कागज पकड़ के देता। मैं ज्ञापन उसके बाद अतिक्रमण हटाएं, उसके बाद किसी की अगर गुमटी तोड़नी है, किसी की दुकान तोड़नी है, उसके बाद तोड़ें, लेकिन पहले उनको स्थापित कर दें। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करेगा, अगली बार